अगर जब तुम सोचोगी, अगर यही सब करोगी तो फिर जो है मान लो सच्चाई के साथ खड़े रहने से क्या फायदा, रो रो के बुरा हाल कर लोगी तो हम तो बोले है? मेरा जान भी चल जाएगा, कोई कुछ भी बोले रोएंगे, अपना दिल में दर्द होता है तो रोते हैं। है? क्या हुआ बोलते है? हैं कि आजादी के वजह से दो परिवार उजरा है, हम उजा रहे हैं क्या, इसमें क्या है, एनीटाइम थोड़ी ना कोई नहीं, कुछ ना रोने से पता तबीयत है। खराब होता है, पैसा हम लोग का जाता है, दूसरे का थोड़ी कुछ जाता है। कुछ रहेगा अभी के टाइम देखिए दोस्तों, दिन दखार जो है ना, जब मन तब आदमी को मार दिया जाता है, कुछ भी कर देते हैं है? क्या ये सब सही है क्या, आप बताइए दोस्तों। और ये बेचारी तो सच्चाई के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, लेकिन तब पर भी इनको गलत सलत बोलते हैं कि भगवान ऐसा बेटी किसी को ना दे। क्या इस तरह का बोलना चाहिए? हम तो कहते हैं कि सबको इसी तरह का बेटी दे। क्यों? देखिए आरती के वजह से कुछ नहीं हुआ है। अगर इनका पिता समझ ले, एक तरफ से बच्ची है, इनका पिता तो समझदार थे, पांच बच्चे की बात थे, उनको तो समझ था कि हम अपना बेटी को कैसे रखें और जो लड़का है उनको किस तरह का मतलब हैंडल करें। गांव समाज को बैठाते, अगर इज्जत अपना इज्जत बचाते ना तो मारते नहीं, इज्जत बचाने के लिए बहुत सारा उपाय था। या शादी करवा देते, फर्स्ट नंबर शादी करवा देते, शादी नहीं करवाते तो गांव समाज को बोल देते, गांव समाज को नहीं बोलते तो सीधा प्रशासन के हवाले कर देते हैं, बहुत सारे बात थे। नहीं तो चुपके से ये दोनों को भगा देते, बहुत बात थे, लेकिन वो ये बात नहीं सोचे और मतलब कि गलत कदम उठा दिए वो लोग, और अभी भोग रही है आरती है। और अपना तो भोगिए रहे वो लोग, मेरा भाई तो चल ही गया, वापस तो नहीं आने वाला है, लेकिन इनको भी जो है अभी दर्द हो रहा है दोस्तों। क्या दर्द नहीं होगा इनको है? क्या ये इंसान नहीं है क्या? सब लोग जो इस तरह का बात बोलते हैं, आज ये इंसाफ के साथ खड़ी है, इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी है, तो आज ये गलत हो गई। आज ये फिर अगर हथियारे के साथ चल जाती तब पर भी आप लोग गलत बोलते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज देखिए, अभी दीदी लोग खाना बना रही है, यहाँ पे मुस्कान बैठी है और ये दीदी खाना बना रही है। क्या बात है, खाना में क्या सब बना रही हो? आलू परवल का भुजिया और पापा के लिए करेला का भुजिया। अच्छा, क्या बात है। मुस्कान कुछ नहीं कर रही है, वो बैठ के मोबाइल देख रही है। ओ अलग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर आरती जी कहाँ गई, आप लोग खाना बना रहे हैं? पता नहीं, कहीं वो काम में होंगे बिजी। कहाँ गई है मुस्कान? थोड़ा काम था तो गई। किधर है? बारी में है। तो चलिए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बारी और देखते हैं। वैसे नेपा पोछी तो कर दिए थे आरती जी, सुबह जग करके झाड़ू वगैरह जितना भी सारा काम था है ना। तो बाकी चलते हैं बारी और देखते हैं क्या हुआ है। और ये देखिए वहाँ पे बैठी है दोस्तों है ना, और हम आ गए हैं। आरती जी, ए हो, क्या हुआ है? ये का है, क्या हुआ है? फिर बोल रहे, क्या हुआ है, रो का है रही हो? मतलब उधर दीदी लोग खाना बना रही हो और आप इधर रो रही हो है? और इतना कचरा में बैठी हो, देखते हैं दोस्तों इधर है, इसी से गंदगी फैलता है, तबीयत खराब होता है। चलो आगे बैठो, चलो है? क्या हुआ है? बोलते हैं कि आजादी के वजह से दो परिवार उजरा है, हम उजा रहे हैं क्या, हम कुछ किए है? कौन बोला है आपको? क्या बीत रहा हो तो हम जानते हैं, हम कैसे जी रहे हो तो हम जानते हैं, कौन बोलेगा? कोई दूसरा का क्या जाता है, कोई दूसरा कुछ बोलेगा, अपना ही आदमी बोल रहा है, कोई वही मुंह पे बोल देता है तो कितना दिल में चोट आएगा, तो हम ही जानते हैं। अच्छा देखो, एक बात बोले आरती जी है, एक बात बोले, आपको हम बोले हैं कभी? हम बोलते हैं आपको क्या बोले हैं? हमको फिर कौन बोले हैं जो आप इस तरह का मतलब रो रही हो है? इंसान में सब... 10 आदमी के बीच में जो रहता है, 10 आदमी परिवार में रहेगा, एक नहीं बोलेगा, सब बोलेगा तो क्या फील होगा? इस घर में बोला है, है?
बोलो ना। बोला है कोई, काय बोलेंगे, क्या जरूरी है, जो बोला है वो अंदर में है, क्या जरूरी है, कुछ भी बोलते हैं तो हर एक चीज में हम ही जाते हैं, सच्चाई पे रहते हैं, फिर भी गलत बोलते हैं। अरे वो बात नहीं बोल रहे हैं, देखो सब पब्लिक लोग देख रहे हैं, ठीक है, कौन बोले हैं सच्चाई बोलो। कौन बोलेंगे, जिसका दल जाता है, जो अपना राज जमाने के लिए चाहेगा वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। यार फालतू बात पे ध्यान मत दो, हम एनी टाइम समझाते हैं आपको, जब आपका दोस्तों जब इनका पति सही है, कुछ बोलेगा पति, कुछ नहीं बोलेगा पति से, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, एनी टाइम पति थोड़े साथ रहता। देखिए जब पति सही है तो तब फिर क्या बात है आपको यार, क्या नहीं सुनते हैं, जो बोलती है सो करते हैं, बोलते हैं वहाँ नहीं जाने तो वहाँ नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि हमको ये चाहिए तो ये ला के देते हैं, यानी जो बोलती है सो करते हैं। हम आपको बात बोला साथ में, नहीं सुनते। तो फिर किस बात पे रो रही है ये दोस्तों है? अभी जो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग क्या सोच सकते हैं कि मनु ही कुछ किया होगा। सबसे औरत की मेन चीज क्या होती है, पति, अगर पति कुछ ना बोले है? तब रोते हैं तो कोई बात नहीं, और अभी जो रो रो करके जो बुरा हाल कर लिया, उधर सब लोग खाना बना रहे हैं है? और ये इधर आप जो है रो रही हो, तो मुस्कान से पूछे हैं कि कहाँ है, तो बोली कि बारी में है। हो ए फालतू बात पे ध्यान मत दो, ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं। चुप, एक तो इसका आँख का जो है ना कालापन कभी जाता नहीं है, रो रो करके तो बुरा हाल कर लेती है। ए हो सुन रही हो, कौन बोला है कि दू घर उजारी, कौन, आप ही उजारी हो दोनों घर, इतना बात थोड़े ना बोले, इससे भी बड़ी बड़ी बात बोली है। अरे इधर सुनो ना, आप ही की वजह से घर उजरा है, गलती गलती वो लोग किया बोलते हैं, जो इस तरह का बोलते हैं वो अपना कैसे किया हम नहीं जानते हैं। ए, सुनो ना, गलती वो लोग किया है तो वो लोग ना जानेगा हो, तो हमको क्या सुनाते हैं कि आज इनके वजह से सब चीज। हे भगवान, देखिए आदमी सबका मुंह बंद करोगी कितना कमेंट में, बंद नहीं कर सकते हैं, कमेंट को इग्नोर कर सकते हैं, जो आके मेरे घर के लोग कुछ बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तब बताइए आप ही। देखो कभी भी दूसरे का बात अगर यही सब, अगर जब तुम सोचोगी अगर यही सब करोगी तो फिर जो है मान लो सच्चाई के साथ खड़े रहने से क्या फायदा, रो रो के बुरा हाल कर लोगी तो। हम तो बोले है? मेरा जान भी चल जाएगा, कोई कुछ भी बोले रोएंगे, अपना दिल में दर्द होता है तो रोते हैं, इसमें क्या है, एनी टाइम थोड़ी नहीं रोने से तबीयत खराब होता है, पैसा हम लोग का जाता है, दूसरे का थोड़ी कुछ जाता है, पैसा कोई देता है आके हैं? नहीं देता तो उनको बोलने का कौन सा हक है, बोलने का, जब पैसा नहीं दे सकते तो बोलते का है। क्या बताएं आपको, कुछ समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा घटना हो गया है दोस्तों, लेकिन आदमी को तब पर भी समझ में नहीं आता है कि कौन क्या है, मतलब कौन क्या है, कौन सही है कौन गलत, अभी भी समझ में नहीं आता है, हैं? मतलब कि आदमी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा भाई चल गया, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अभी जेल चले गए हैं वो जिंदा है, उनसे मिल सकता तो उनके बारे में सब सोचते हैं, मेरे भाई के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। थोड़ा समझिए दोस्तों, अगर दुश्मन सबको बढ़ावा देंगे लोग सब तो क्या होगा फिर दुनिया में, कुछ रहेगा। अभी के टाइम देखिए दोस्तों, दिन दखार जो है ना, जब मन तब आदमी को मार दिया जाता है, कुछ भी कर देते हैं, हैं? क्या ये सब सही है क्या, आप बताइए दोस्तों। और ये बेचारी तो सच्चाई के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, लेकिन तब पर भी इनको गलत सलत बोलते हैं कि भगवान ऐसा बेटी किसी को ना दे, क्या इस तरह का बोलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सबको इसी तरह का बेटी दे, क्यों, देखिए आरती के वजह से कुछ नहीं हुआ है, अगर इनका पिता समझ ले, एक तरफ से बच्ची है, इनका पिता तो समझदार थे, 5 बच्चे की बात थे, उनको तो समझ था कि हम अपना बेटी को कैसे रखें और जो लड़का है उनको किस तरह का मतलब हैंडल करें, गांव समाज को बैठाते, अगर जब अपना इज्जत बचाते ना तो मारते नहीं, इज्जत बचाने के लिए बहुत सारा उपाय था, या शादी करवा देते, फर्स्ट नंबर शादी करवा देते, शादी नहीं करवाते तो गांव समाज को बोल देते, गांव समाज को नहीं बोलते तो सीधा प्रशासन के हवाले कर देते, हैं बहुत सारे बात थे, नहीं तो चुपके से ये दोनों को भगा देते, बहुत बात थे, लेकिन वो ये बात नहीं सोचे और
मतलब कि गलत कदम उठा दिए वो लोग, और अभी भोग रही है आरती है, और अपना तो भोगिए रहे है वो लोग। मेरा भाई तो चल ही गया, वापस तो नहीं आने वाला है, लेकिन इनको भी जो है अभी दर्द हो रहा है। दोस्तों क्या दर्द नहीं होगा इनको, हैं इनको तब पर भी बोलती कि एक लड़की जो है ना ऐसे लड़का को मरवा दिया, आज मेरा भाई के साथ खड़ी है, इंसाफ दिलाए हैं, तो आज ये गलत हो गई है। पता नहीं आदमी सब क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, थोड़ा से तो समझिए दोस्तों, हैं दोस्तों। दुनिया में आजकल पता नहीं क्या हो गया नहीं हो गया, इसलिए आज क्राइम बढ़ रहा है ना, कोई सच्चाई का साथ नहीं देते हैं। जो गलत करते हैं ना आदमी उनको बोलते हैं अच्छा है, जो अच्छा करते हैं उनको गलत ठहराते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए जो आज दुनिया में ये देखने के लिए पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग तो एक गरीब हैं, गरीब क्या कर सकते हैं। आज आप लोग के प्यार दुलार से जो भी किए, आप लोग के सपोर्ट के किए, आप लोग के सपोर्ट के वजह से किए हैं, और मेहनत जो कर रहे हैं उनके वजह से हुआ है, नहीं तो हम लोग एक रुपए के लिए तरस रहे थे। जिस टाइम घटना हुआ था इनको किस तरह इलाज कराए हैं वो हम ही लोग समझते हैं। धन्यवाद उसको कहते हैं जहाँ मेरा शादी लगा था, वो तिलक के पैसे से इनको हम इलाज करवाए थे, फिर बाद में उनको लौटाना पड़ा। कैसे लौटाएं, सबसे भीख मांग मांग के लौटाएं, हैं इतना मुसीबत से झेले हैं, और अभी इज्जत की बात कर रही है वो लोग। अगर इज्जत बचाने का रहता ना, वकील जो बोलते हैं इज्जत के वजह से वो जेल चले गए हैं, उनके पास रहता ना तो आपस में इतना मतलब मेल मिलाव करके रखते कि किसी को पता नहीं चलता। कान हुआ ना इनके पापा के पास क्या है, यही ना 15-20 बीघा जमीन है, पैसा है, उन करोड़ों अरब में खेलते थे एक आदमी, वो उनके घर में वो ऐसे करके हैंडल किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं चला। बेटी बोले जिसमें खुश है उसी से शादी करवा दिया, वो तो सही है ना। मार के क्या वो महान बन गया, एक हत्यारा बन गया, वो नहीं सोच रहे हैं। पता नहीं आदमी को क्या लगता है। इधर सुनो, दूसरा क्या बोलता है कोई, मत रोया धोया करो, ठीक है। इस बात पे हमको भी गुस्सा आता है, तुम रोती हो तो। कितना अच्छा खाना बना रही थी हैं, और ये इधर आकर के जो है तुम रोने लगी। रोया धोया मत करो, ठीक है यार। इधर कितना ज़्यादा कचरा है, इधर बैठी है, ये सब जो है कचरा नाक में ही जाता है गंद, हैं क्या करेंगे। इधर जो है ना अभी बगीचा सब भी गंदा हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अब देखते हैं आंधी तूफान आया था, गाछ गिर गया था, देखते हैं उधर, इसी वजह सफाई सब नहीं कर पाए हैं इधर, है ना। चलो इधर आंगन चलो, छोड़ दो इधर मत रहो, चलो। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तो सुन ही लिए, देख ही लिए कि क्या प्रॉब्लम था और किस तरह ये रो रही है। आदमी की तो पता नहीं क्या होता है, जो मन में आता है वही बक देते हैं। खैर हम क्या करेंगे, दूसरे को तो नहीं रोक सकते, बाकी आरती जी को तो हम चुप कराएंगे ही, है ना। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं दोस्तों, पता नहीं आप भी ना।